हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सीएनसी मशीन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जब भी हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे ये चीज जरूर पूछी जाती है कि जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उसमें हम फीड आरपीएम और हम कटिंग स्पीड उसमें कैसे देते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उसमें हम जो हमारी फीड होती है वो उसमें किस अनुसार देते हैं और फीड कितनी देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पंकज और आप देख रहे हैं सीएनसी मैकेनिकल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपको मेरी वीडियोज है वो लगातार आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी वीडियो शुरुआत करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि जो हमारी सीएनसी मशीन पर जब हम कोई भी प्रोग्राम तैयार करते हैं तो उसमें हम फीड किस अनुसार देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे अगर आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको जैसे पहले भी कुछ जो मैं आपको प्रोग्रामिंग समझाता हूं आप उसमें देख सकते हैं कि हम उसमें फीड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फीड होती क्या है, कि फीड की जो हमारी परिभाषा है वो क्या होती है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, यहां पे आप इसको साथ के साथ अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं भी अगर कल को इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आप ये परिभाषा को आराम से उसको बता सको। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं कि स्पिंडल के एक पूरे चक्कर में हमारा जो कटिंग टूल होता है वो जितनी लंबाई में मेटीरियल काटता है वो क्या होती है, हमारी फीड कहलाती है। मैं आपको एक बार यहां पर लिख के भी दिखा देता हूं, स्पिंडल के एक पूरे चक्कर में कटिंग टूल, जिससे कि हम अपने पीस की कटिंग करते हैं, कटिंग टूल जैसे आपको पता है कि जो हम अपनी लेथ मशीन पे कटिंग टूल यूज करते हैं टर्निंग के लिए, फेसिंग के लिए, वो क्या होता है, हमारे कटिंग टूल। अब हमारा स्पिंडल के एक पूरे चक्कर में जो हमारा कटिंग टूल होता है वो जितनी लंबाई में मटेरियल काटता है उसे फीड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सीएनसी मशीन में हम फीड जब भी देते हैं हम दो तरीके से देते हैं। अब ये जो हमारी फीड की परिभाषा है, ये हमारी फीड कहां पे यूज होती है दोस्तों, ये वाली जो हमारी जो स्पिंडल के एक पूरे चक्कर, मतलब अगर मान लीजिए ये स्पिंडल है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा पीस है, ये हमारा स्पिंडल में पूरा रोटेट हो रहा है, मतलब जब इसका एक पूरा चक्कर यहां से यहां तक पूरा इसके एक चक्कर हो जाएगा, यानी इसके एक पूरे चक्कर में हमारा टूल जितनी लंबाई में हमारा टूल यहां से इसको कटिंग करता हुआ आगे बढ़ेगा, उसको क्या कहते हैं हम फीड। और ये वाली फीड हमारी कौन सी होती है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ये होती है हमारी फीड एमएम पर रेवोल्यूशन। अब फीड एमएम पर रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, मैं आपको वो भी एक बार क्लियरली समझा देता हूं। जैसे फीड एमएम, देखिए उस फीड का मतलब हमारी टूल की स्पीड, यानी गति टूल की। एमएम मतलब हमारा मिलीमीटर और रेवोल्यूशन का मतलब हमारा पूरा एक चक्कर। ये देखिए आप, फीड एमएम पर रेवोल्यूशन, यानी पूरे स्पिंडल के एक पूरे चक्कर में हमारा टूल जितनी लंबाई में मटेरियल को काटता हो जाएगा वो क्या होगी, हमारी फीड। अब इस जो हम ये जो हमारी फीड होती है ये हम दो तरह से इसमें दे सकते हैं, जो हमारी जहां पे हम ये दो तरह से ये जहां पे हमारा स्मॉल एफ जहां पे हमारा हमें स्मॉल एफ अगर हम मशीन में डालते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फीड एमएम पर रेवोल्यूशन।
ये तो दोस्तों होगी हमारी फ्रीडम एम पर रेवोल्यूशन। अब इसके लिए मैं आपको कोड भी बता देता हूँ कि जो इसके हमारे जो कोड होते हैं वो हम मशीन में कौन कौन से कोड हम इसके यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर जो हमारा फानुक कंट्रोल सिस्टम होता है, फानुक जो कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारी लेथ सीएनसी लेथ मशीन होती है, जो हमारी उसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम उसमें कोड यूज करेंगे तो उसमें जो हम कोड यूज करेंगे वो होगा हमारा G99 कोड। और ये कोड हमें कहां पे लगाना पड़ेगा, ये कोड जैसे कि आप मेरी पिछली प्रोग्रामिंग दे सकते हो, मैंने आपको बताया था जो हमारा हेडर होता है वहां पे हम जो हमारे सेफ्टी कोड्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो जो हमारे फानुक जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारे उसमें सीएनसी लेथ मशीन होती है, उसमें हम जो हमारा G99 कोड होता है उसमें हम इस कोड का यूज करते हैं, और जिसमें हमारी जो फीड होती है मशीन एमएम पर रेवोल्यूशन में उसको काउंट करती है। अब मैं इसको एक छोटा सा आपको एक लाइन लिख के बता देता हूं कि इसमें अगर हमें किसी में मशीन में प्रोग्राम में फीड देनी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मैं कोई भी एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं आपको, जैसे मैंने कट लिया G0X 30.00 Z-20.00। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पे फीड देता हूं 0.5 तो ये मेरी फीड क्या हो गई, ये मेरी फीड हो गई 500 माइक्रोन। कितनी हो गई? 500 माइक्रोन। अब अगर मैं बात करूं कि मेरा एक जो मेरा टूल है वो एक चक्कर में कितनी लंबाई में जो मटेरियल काटता हो जाएगा, मान लीजिए ये मेरा पूरा पीस है, इसकी लंबाई कितनी है? 10 mm। और जो मेरा टूल है वो एक चक्कर में कितना आगे बढ़ रहा है? 0.5। कितना बढ़ रहा है? 0.5। अगर मैं बात करूं कि वो मेरे पूरे 10 जो मेरा 10 mm का पीस है वो कितने चक्कर में काटेगा, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कितने में काटेगा हमारे 20 चक्कर में हमारा पूरा करेगा। मान लीजिए एक चक्कर में हमारा 0.5 चल रहा है, दो चक्कर में हमारा पूरा 1 mm चलेगा, तो ऐसे करके अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा पूरे 20 चक्कर में हमारा जो टूल है वो इस 10 mm के पूरे इसको मटीरियल को पूरा एक बार में पूरा कट कर देगा। तो ये होती है हमारी फीड एमएम पर रेवोल्यूशन। तो इसको हम किससे डोनेट करते हैं? इसको हम G99 कोड से। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जो हमारी सीमेंस कंट्रोल होती है और जो हमारी वीएमसी मशीन होती है उसमें हम ज्यादातर जो हम कोड का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे कोड G94 और G95। अब मैं आपको इसके बारे में पूरा के डिटेल से बता देता हूं, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं आगे आपको बताने के लिए। देखिए दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा था फीड एमएम पर रेवोल्यूशन। अब दोस्तों, जो हमारा दूसरा कोड होता है, अच्छा जो हमारा फीड एमएम पर रेवोल्यूशन था वो हमारा कौन सा वाला कोड था? G99। अब हमारा कोड कौन सा आएगा? G98। ये हमारे किसमें हम यूज करते हैं इसको? सीएनसी लेथ में, फानुक कंट्रोल सिस्टम में। ज्यादातर अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो हमारा फीड एमएम पर रेवोल्यूशन ही ज्यादातर हमारी मशीन्स इसको रीड करती है। अब दोस्तों बात आते हैं कि जो हमारी दूसरी जो हमारी फीड होती है G98 वाली, वो हमारी कौन सी वाली फीड होती है? वो होती है हमारी फीड एमएम पर मिनट, फीड एमएम पर मिनट। फीड मैंने आपको बताया था टूल की गति, एमएम मतलब मिलीमीटर, और मिनट का मतलब प्रति मिनट, यानी एक मिनट में। अब दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है? इसकी एक सिंपल सी परिभाषा मैंने आपके लिए बनाई है। देखिए दोस्तों, हमारी मशीन की एक्सिस द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी, मैं यहां पे लिख देता हूं, हमारी मशीन की एक्सिस द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी, किसमें हम इसको डेट करते हैं? फीड एमएम पर मिनट। और इसका कोड कौन सा होता है हमारा? G98 कोड।
तो देखिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें जो ये वाली हमारी फीड होती है, इसका हम ज्यादातर यूज किसमें करते हैं हम लोग? अपनी वीएमसी मशीन में, वर्टिकल मिलिंग सेंटर। अब इसमें क्या दोस्तों, देखिए वहां पे हमारा क्या था, जो हमारी फीड एमएम पर रेवोल्यूशन थी वहां पे, ताकि हमारा जो टूल है वो एक चक्कर में कितनी मटेरियल को काटता हो आगे बढ़ेगा। इसमें क्या दोस्तों, इसमें हमारा टाइम है, इसमें आगे हमारा एक मिनट, यानी हमारा जो हमारा टूल है वो एक मिनट में कितने एमएम मटेरियल को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। उसमें दोस्तों रेवोल्यूशन था, इसमें कितना आगे हमारा मिनट, यानी हमारा टूल एक मिनट में कितने एमएम मटेरियल को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, उसको हम किसमें डोनेट करेंगे? फीड एमएम पर मिनट। इसको हम किसमें लिखते हैं? G98 कोड में। अगर हम दोस्तों इसकी दूसरी बात करेंगे तो इसकी मैंने आपको बताया था, जैसे G94 और जो हमारा G95 जो हमारे कोड्स होते हैं, जो हमारे सीमेंस कंट्रोल होते हैं हमारे, उसमें G94 और G95 कोड चलते हैं। जो हमारा इसमें G94 जो हमारा कोड होता है वो होता है इसमें फीड एमएम पर मिनट, और जो हमारा G95 कोड होता है हमारा फीड एमएम पर रेवोल्यूशन। मतलब अगर आपके पास सीमेंस का कंट्रोल है या आपके पास वीएमसी मशीन है, तो आप वहां पे ज्यादातर जो फीड यूज करोगे वो आप उसमें G94 कोड और G95 कोड का इस्तेमाल करोगे। G94 में क्या हमारा फीड एमएम पर मिनट, और जो हमारा इसमें G95 का कोड यूज होगा वो हमारे इसमें क्या करेंगे हम लोग, फीड एमएम पर रेवोल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर हम इसको फीड एमएम पर रेवोल्यूशन को लिखेंगे तो इसमें हम फीड कैसे देते हैं, यहां लिख के दिखा देता हूं। 0.02 ये मान लीजिए मैंने इसमें फीड दे दी, यानी अगर हम फीड एमएम पर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको, इस फीड को हमेशा हम माइक्रोन्स में देते हैं। आपने इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी हम फीड एमएम पर रेवोल्यूशन में फीड देंगे तो उसको हम ज्यादातर माइक्रोन्स में देते हैं, और जो हमारी एक दूसरी फीड होती है हमारी, जो हम फीड एमएम पर मिनट देते हैं, उसको हम कैसे डोनेट करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के बताता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया F60, तो इसको हम किसमें डोनेट करते हैं? मिलीमीटर में। दोनों में आप फर्क जानने की कोशिश करिए, एक को हम मिलीमीटर में और एक को फीड को हम माइक्रोन्स में। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर मान लीजिए आपको जहां अगर हम कैपिटल एफ का इस्तेमाल करते हैं, मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही एक विशेष बहुत ही खास चीज बता रहा हूं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, तो आप इसलिए एक चीज मतलब पूरा जो फीड का टॉपिक है आप इसको एक बार पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। जो हमारा कैपिटल एफ होता है उसको हम किससे डोनेट करते हैं? फीड एमएम पर मिनट में, फीड एमएम पर मिनट में। और जो हमारा स्मॉल एफ होता है इसको हम करते हैं फीड एमएम पर रेवोल्यूशन, फीड एमएम पर रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, मैंने ड्रिल अगर हम जब ड्रिल करते हैं तो उसकी फीड, उसके आरपीएम, उसकी कटिंग स्पीड को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है पूरी, उस जिसमें कि मैंने कटिंग स्पीड, आरपीएम और फीड के बारे में अच्छी तरह समझाया। आप मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से जाके एक बार उसके वीडियो को देख के पूरी इसकी इस तरह में अच्छी नॉलेज को पूरा इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जितना भी मैंने आज आपको बताया कि जो हमारा G94 G95 जो हमारा कोड होता है, या हमारा जो G98 और जो हमारा G98 कोड होता है, उसका हम कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरा फीड का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए फीड के बाद आरपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग सीएनसी मशीन पर, और हमारी जो कटिंग स्पीड होती है उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज को अगर आपसे कोई पूछे कि हमें जो हमारी फीड होती है उसको हम अब सीएनसी मशीन पर किस हिसाब से देंगे, मतलब अगर हमें फीड देनी पड़ जाए तो किस हिसाब से देंगे, जैसे कि मैंने आपको, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो भी हमारी इंसर्ट हम यूज करते हैं सीएनसी मशीन पर, आपको जो हमारी इंसर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो आपको इंसर्ट की जो हमारी जो इंसर्ट का हमारा बॉक्स होता है आपको उसके ऊपर उसकी देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी फीड मैंने आपको देखे लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
फीड और कटिंग स्पीड आपको दोनों वो मेंशन करेगी ये कि हमें उस पे फीड और कटिंग स्पीड हमने उस पे किस हिसाब से रखनी है। फ्रेंड्स ये हम लोग अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इसके एक पूरे प्रॉपर एक चार्ट बना होता है, एक जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है टूल की वो भी इसका प्रॉपर चार्ट बना के देते हैं। दूसरी बात ये डिपेंड करता है हमारा मटेरियल पर, अगर अगर मान लीजिए हमारा मटेरियल ज्यादा हार्ड है तो हम फीड ज्यादा नहीं दे सकते, अगर हमारा मटेरियल सॉफ्ट है तो हम उस पर फीड ज्यादा दे सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी इंटरव्यू पूछ सकता है तो आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। दूसरा हमारा डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ कट, यानी जब भी हम किसी पीस में मान ले रफ कट लगाते हैं या फ्रिंज कट लगाते हैं वो उसके कट के ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ कट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम डेप्थ ऑफ कट कितना रखते हैं। जितना हमारा डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा उतना ही हम फीड को कम रखेंगे, और जितना हमारा डेप्थ ऑफ कट कम होगा उतने हम फीड को ज्यादा रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके इसका प्रभाव कहां पे पड़ता है मैं इसका बताता हूं, इसका प्रभाव कहां पड़ता है। देखिए दोस्तों इसका प्रभाव पूरा जो हम पीस बनाते हैं उसकी जो हमारी फिनिशिंग होती है उसके ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है कि फीड हम कभी भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, क्या तो हमारे जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं इंसर्ट यूज कर रहे हैं उसके बॉक्स के ऊपर आपको मेंशन होगी, वरना इसका प्रॉपर चार्ट होता है वो उस चार्ट को देख के आप उस वहां पे फीड को दे सकते हैं। मटेरियल वाइज हमारा इसका चार्ट होता है कि किस मटेरियल पे हमने कितनी फीड देनी है ना, किस टूल पे हमने कितनी फीड देनी है, कितनी कटिंग स्पीड देनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस पूरी फीड को दे सकते हो। दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फीड के बारे में। तो मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल पर पूरी लेथ मशीन से रिलेटेड वीडियोस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो, जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग है सारी से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड है, आप उनको देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द मिले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।